मास न्यूज हर समय आपके साथ, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव राजभर मार्ग का ओम प्रकाश राजभर ने किया उद्घाटन। जी हां, सादियाबाद गाजीपुर परेवा में राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव राजभर मार्ग का आज दिनांक 20/10/2020 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा किया गया। जी हां, उन्होंने इस कार्य के लिए ग्राम प्रधान व गांव के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा पिछड़े दलित को उचित से उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हमारे समाज के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर काशीराम छत्रपति साहू जी महाराज सवित्रीबाई फुले महाराजा सुहेलदेव की जो सोच थी, अब तक शिक्षा ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा और कहा प्रदेश में शासन व्यवस्था सही नहीं है। आइए, दिन हत्याएं लूट चोरी और बलात्कार हो रही है। इस मौके पर विधायक त्रिवेणी राम, अरविंद राम, अनिल राजभर, रवि राजभर, पीयूष कुमार आदि उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं अपने संवाददाता आदित्य कुमार की यह रिपोर्ट। सर, आज सोहेल महाराजा सोहेलदेव गेट का शुभारंभ किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में जिन महापुरुषों ने देश के लिए समाज के लिए काम किया उनके इतिहास के लोगों ने नहीं लिखा। आज इस देश में देखिए, जो औरत के पीछे लड़ाई लड़ा उसका इतिहास है। राम रावण की लड़ाई सीता के लिए हुई, कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए हुई, आल्हा उदल इंद्र की लड़ाई रूपा बेलवा चन्हार के लिए हुई, उनका इतिहास है। रामायण लिख दिया गया, महाभारत लिख दिया गया, आल्हा गाया जाता है। लेकिन जिस महापुरुष ने जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर कब्जा करने के लिए आया, ऐसे लोगों को निस्तनाबूद किया और उनको परास्त किया और 169 साल लगातार कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आंख दिखाने की हिम्मत नहीं किया, ऐसे महापुरुष का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जब मुझे इसकी जानकारी हुई, आज 17 साल से हम इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी फौज लगी है। इस मंच से आप अपने समाज के लोगों को कैसा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस हम समाज से यही कहूँगा, जो गरीब कमजोर पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अपने विषय में सोचें। ये न मायावती के विषय में, न मुलायम के विषय में, न ओम प्रकाश के विषय में, न मोदी के विषय में, ये बेहतर सोचें कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, इनके पुल पुलिया नाली खड़ंजा चकरोट कैसे बने, इनको अमन चैन कैसे देश में रह सकें, इनको न्याय कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, इसके विषय में ये सोचें, निश्चित इनका कल्याण। सर, प्रदेश की शासन व्यवस्था क्या कहेंगे लेकर के आप? देखिए, ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है, अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है, जिसका आपने देखा कि अभी सरकार खुलेआम बलिया में एक पाल की हत्या होती है और अपराधी के संरक्षण में पूरी सरकार लग जाती है और सरकार के इशारे पर बलिया में जिस तरह का तांडव परसों हुआ है, शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना। सर, आने वाले 22वें चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? ये हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसमें बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, किशोरा पटेल, बाबू रामपाल, अनिल चौहान, रामकांत कश्यप, रमाकांत, रामधनी बीन और रामसागर बीन और हम 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और हम लोग इसी मोर्चे से हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे मोर्चे का गेट खुला हुआ है और इसमें जो लोग आना चाहें तो उनका स्वागत है।